यार मामला बहुत खराब हो चुका है यार, अम्मी के लिए के व्लॉगिंग छोड़ दो, तुम मेरे काम नहीं करते। अब अम्मी का काम है कि यार से सारे कपड़ों को उठा के कपट में रखना जो कि वहां पर है। अम्मी भी देखो कितने मुश्किल काम देती है। अब तुम बताओ, तुम अगर होते तो व्लॉगिंग छोड़ने का फैसला लेते या अपनी अम्मी का काम करते? मैं जो भी है भाई अम्मी का काम करना चाहता हूँ और व्लॉगिंग नहीं छोड़ना चाहता। तुम लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मैं कपड़े उठा रहा हूँ। अबे अबे कपड़े उठाओ यार जल्दी। ओए ये कौन है, ये कौन है? अबे अबे ये कौन था? अबे यार यार गाइस, अब जब भी व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ये ऐसे ही करता है यार, हरकत है यार, मुझे डरा देता है। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, ये तो बता दे मुझे। ओए नहीं 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 गाइस यार इसका क्या करूँ, ये बहुत मारता है मुझे यार। अब तू गया बेटा, अब तू गया, अब तू गया, अब तो तुझे झाड़ू नहीं झाड़ू पड़ेगी, बल्कि ये वाली झाड़ू, ये वाली नहीं ये वाली झाड़ू पड़ेगी। हट जा अब तू गया, अब तू गया, ओए अब तू गया, अब तू गया, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। अबे इसको तो लग ही नहीं रही, नहीं नहीं टायर फेंक रहा है मेरे ऊपर। ओए नहीं 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 नहीं, नहीं। आप कहाँ जाओगे? टायर आ रहा है, भागो भागो। गाइस तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ यहाँ पर, इससे पहले कि मेरे को काम में टांग कर। मैं जा रहा हूँ काम करने, ये अम्मी का काम करूँ, नहीं तो अम्मी बोलेगी व्लॉगिंग छोड़ दे यार। ओए 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 नहीं नहीं झाड़ू नहीं मारते, दाने निकल जाते। आ नहीं, ओ ओ यार गाइस इतना क्यों मारता है मुझे भाई, मेरे तेरा क्या बिगाड़ा है यार, मैं गरीब बचाओ यार। यार गाइस मैंने सोच लिया है मैं पंपी से नाराज हो गया हूँ, आइंदा पंपी से कभी भी बात नहीं करूंगा। गाइस पंपी मारता है मुझे यार, इसको सोचना चाहिए कि मैं इतनी सारी चीजें दिलाता हूँ। मैं पंपी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं कट्टी हो गया आपसे, कट्टी। नहीं पंपी तुम मुझे मारोगे, मैं कट्टी हो गया हूँ। अब मैं गाइस पंपी को चीज लेने भी नहीं ले जाऊंगा, ना पंपी की कोई विश पूरी करूंगा। पंपी बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अब। तुम गंदे बच्चे बन चुके हो पंपी, तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। अब मैं तुम्हारे से बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानते ना, अब मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा बिल्कुल। अब मैं नहीं करूंगा। नहीं तुम करते हो, अब मैं नहीं करूंगा। पक्का प्रॉमिस? गाइस इसने सॉरी बोल दिया है तो तुम लोग बताओ इसको माफ कर दूं या नहीं करूं, एक दफा चांस देना चाहिए या नहीं इस बच्चे को, जो कि बड़ा शरारती लग रहा है। अब ये कह रहा है तो नहीं मारोगे, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, फिर तुम्हारे को चांस नहीं दूंगा। सही है, अच्छे बच्चे क्या करते, गला नहीं पकड़ते, प्यार करते, प्यार करो प्यार प्यार। हाँ शाबाश, देखो थोड़ी बहुत। यार मैं कब से मेरे भाई को समझा रहा हूँ कि यहाँ से हट जाए, लेकिन भाई वो हट ही नहीं रहा, एक्सरसाइज किए जा रहा है, बोला है मुझे आज अपनी हाइट बढ़ानी है। मैंने बोला भाई तेरी हाइट पहले ही बड़ी हुई है, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, ऊपर से है भी गंजा। भाई उतर जा यार, क्यों नहीं उतर रहा यार? यार ये देखो अपना कमाल दिखाएगा यार, एक तो ये पूरा बंदर बन चुका है गाइस। मैं इसको समझाता हूँ कि भाई ऐसी हरकत मत कर, लग जाएगा तुझे, लेकिन ये मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अब इसको किसे समझाओ, वो किसी और जगह पे जा रहा है, वहां पर अम्मी बैठ के इसका तमाशा देख रही है, लेकिन ये तमाशा दिखाया जा रहा है अपना। अम्मी ने अगर तुम्हें चमाट मार दिया ना, सीधा उड़ के जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। बाबर भाई उतर जाओ यार, बाबर क्या हो यार, ये देखो यार तुम्हारी गंज पे मैं थप्पड़ मारूंगा। अरे ये कहाँ भाग रहा है गाइस, ये पता नहीं कहाँ पर भाग रहा है यार, मुझे इसका पीछा करना होगा। अम्मी आप 2 मिनट रुको, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। बाबर भाई कहाँ जा रहे हो? अरे बाबर भाई लग जाएगी तुम्हें यार, यार ये भाग रहा है बहुत ज्यादा, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। अबे ये सलाखे सलाखे घुस ना जाए मुझे यार, कैसे जाऊँ? अबे वो क्या लेने जा रहा है यार, कुछ लेने गया है। ये क्या है गाइस, पता नहीं क्या लेके आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कोई मुझे मारने के लिए सामान तो नहीं ला रहा। ओए दूर दूर, ठीक है। अबे ये क्या ले आया यार, वाह ये कहाँ से मिला तुम्हें? अरे यार मुझे दे दो बस, मैं लेके भाग रहा हूँ, मैं लेके भाग रहा हूँ। गाइस बाबर ने मुझे तंग किया तो मेरा भी फर्ज बनता है बाबर को तंग करना। अब बाबर जो बलून से लेके आया वो मेरे हो चुके हैं। ये नहीं मेरे बलून से, नहीं नहीं मेरे बाबर भाई नहीं है मेरे यार, नहीं इसको जंप मार के पकड़ो ना अब। अबे गाइस एक बलून बाबर ने ले लिया, लेकिन बाकी बलून मेरे पास है। आप लोग सोच रहे होगे कि हम दोनों भाई बलून्स के लिए क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे इस वजह से क्योंकि भाई बाबर मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं क्यों मानूं, आप खुद बताओ। भाई छोड़ो छोड़ो मैं भागूंगा। अम्मी इसको थप्पड़ मार दो आप। अम्मी बोल रही है भाई नहीं लड़ो बेटा, लेकिन बाबर भाई बात ही नहीं सुन रहा। अम्मी इसने मेरे से बलून छीन लिए ना, अब इसको थप्पड़ मारने की मुझे इजाजत दो प्लीज। नहीं बल्कि इजाजत है, इजाजत है थप्पड़ मारने की, बस थप्पड़ एक मारूंगा ज्यादा नहीं। नहीं नहीं एक 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 प्लीज एक 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 मारने दो बस, एक एक
एक थप्पड़ बोल दिया मैंने, बोल दिया अब तुम गए गए गए। गाइस यार अम्मी मना करिए नहीं तो मैं इसको थप्पड़ मारता। देख लिया ना अम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करती है। बेटा तुम्हारे से प्यार नहीं करती, तुम्हारे पे रहम खा रही अम्मी। अम्मी को गाइस पता है कि अगर मेरा चमाट पड़ गया ना बाबर को, बाबर सीधा आसमान पे उड़ जाएगा, इस वजह से अम्मी मना कर रही है। चलो बाबर बलून्स लेके आ जाओ अपन के। बाबर को किसी बैंक से मिले बलून, मैंने बोला ये हमारे बलून से, बाबर ये हमारे बलून से ले आओ। रख के आ रहे हो, अच्छा चलो अच्छी बात है। मैं बोला हूँ गार्ड भाई से पूछ लो और बोलो मैं बलून्स ले जाऊँ। गाइस फ्री की जो भी चीज़ हो ले लो, आ जाओ अम्मी आ जाओ। अम्मी को इसकी यार फिक्र है, देखो कितना प्यार करती है मेरी अम्मी। भाई मेरी अम्मी को पहले जाने देते फिर मैं जाता हूँ, अब मैं जाता हूँ। अम्मी आगे मैं पीछे, अम्मी आगे मैं पीछे, अम्मी आगे मैं पीछे। ओ भाई इतने खतरनाक वायर्स वाला ट्रांसफार्मर है। अम्मी मैं आपको बचाऊंगा, आपने झुक के आना नहीं तो आपको वायर से करंट लग जाएगा। गाइस इतनी बड़ी वायर जा रही है सीधा खंबे में। अम्मी आराम से अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलो 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 आ जाओ। रास्ता यहाँ से अपन कहाँ जा रहे हैं? ये रहा शॉर्टकट रास्ता। चलो आ जाओ, हमारी गाड़ी वो रही। चलो यार बाबर तुम पहले ही पहुंच गए यार। चलो यार बाबर तुम थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, देख लेना यार। यार अभी तुम्हारे सामने बाबर ने जो कहा इस पर भाई मेरे बाबा और मेरी अम्मी ने कहा बाबर तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते। बाबर भाई भी राजी हो चुके, मतलब कि भाई बाबर की तो अब ईद हो गई है। बाबर क्या खाना चाह रहे हो तुम? मैं ना सबसे पहले लेने वाला हूँ, देखते क्या मिलता है अभी। भाई यार सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, बाबर खाएगा निहारी। निहारी अच्छी लगती है? निहारी चलो भाई, निहारी चलो भाई, खुद ही बोला है निहारी और बोला चलो भाई, जैसे भाई हम पे डिपेंड कर रहा है तो हम जा रहे हैं। तुमने पर बोला ना मैं खाऊंगा निहारी, तो गाइस ये ऑन कैमरा बोल रहा है, ऑफ कैमरा इसने बोला है मुझे पता है। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी कुछ खाने, अब अल्लाह करे कुछ अच्छी चीज मिल जाए, नहीं तो समझ जाओ यार वापस से घर जाना पड़ेगा। एक तो बाबर की वजह से दावत मिल रही है वो भी मिस हो जाएगी। हम रस्ते के पास तो पहुंच चुके हैं, अब कब आएगा ये नहीं पता। ये खाना आ चुका है लेकिन खाना खत्म हो जाएगा इस वजह से मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके स्टार्ट करते हैं। देखो नान मैंने तोड़ दिया है, इसको डिप करना है। चलो भाई चलो चलो चलो। ओह ओह गरम पराठा भी आ गया यार। गाइस सच में यार गरम गरम चीज खाने में अलग ही मजा आता है। अपन ने डाल दिया पाए में ये नान। हाय हाय बिस्मिल्लाह। अच्छा यार सच में अच्छा यार, ये पराठे के साथ टेस्ट करते हैं। हाँ चलो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ अच्छा है। गाइस जिन तो अब चला गया इसलिए मैंने सोचा कि अपने पिकाचू को छत पे रख दूँ। अब मैं उसको रात में तो छत पे रख के आ गया था लेकिन मैंने सोचा कि यार सुबह भी देख लूँ, इतने दिनों से बेचारे ने कुछ खाया पिया कुछ भी। ओए क्या हो गया पिकाचू? ये क्या हुआ यार पिकाचू लेटा हुआ है यार पूरा, क्या हुआ यार ये पिकाचू क्यों लेटा हुआ है? पिकाचू क्या हो गया तुम्हें यार? उठो यार उठो यार। गाइस पिकाचू तो लेटा हुआ है यार, मुझे लगता है इसको कमजोरी हो गई है, मुझे इसको उठाना पड़ेगा यार नहीं तो ये मर जाएगा। गाइस चलो यार पिकाचू उठो उठो यार, तुम उठो 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 जल्दी उठो यार। पिकाचू तुम्हें क्या हो गया यार, क्यों लेट गए थे यार तुम, इतना क्यों कमजोर भी हो रहे हो, क्या हो गया यार? गाइस मुझे लगता है इसको कुछ चाहिए क्या पिकाचू? यार यार गाइस मैं समझ गया, ये यूं यूं कर रहा है ना मतलब इसका पेट खाली हो चुका है यार, इसको कुछ खाना खाना है यार। मैं इसके लिए क्या लाऊ? पिकाचू तुम्हें खाना खाना है, खाना खाना है। अरे यार लेकिन पंपी इसको खाना कौन सा खाना है तो बताओ, वहाँ पिकाचू भूखा है यार लेकिन पंपी को अपने घर की पड़ी है। पंपी इस घर को छोड़ो, हमें पिकाचू का भी घर बनाना है, तुम छोड़ तो दो यार इसको। अरे यार घर तो होगा लेकिन पहले जरूरत होती है इंसान की खाना। पिकाचू तुम्हें क्या खाना है तो बताओ। अबे यार ये कैसे खाने बता रहा। ओ पिकाचू गिर गया यार। यार गाइस इसको बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है यार, वो गिर गया। पंपी ने बोला कि लॉलीपॉप जेली ऐसी चीजें ले आओ, अब पिकाचू ऐसी चीजें खाएगा या नहीं मुझे नहीं पता यार। पिकाचू उठो यार उठो उठो पिकाचू पिकाचू, देखो यार पंपी भी उठा रहा है। पिकाचू उठो उठो यार प्लीज, हाथ दो अपना पिकाचू हाथ दो। पिकाचू तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो।
यार अब केक लेने के लिए भाई मैं बेकरी आ चुका था, जबकि मुझे जो केक मिला है वो ये। अभी एक मुझे प्यारा सा कार्टून वाला केक नजर आया, मैंने बोला ये ले लेता हूँ, लेकिन भाई कह रहे कि ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, मतलब भाई हम ये वाला केक ले नहीं सकते। यार इस पे ना मुझे लिखवाना है एक अच्छा सा नाम, क्या लिखवाना है बताओ पम्पी। यार केक का देखो कितना ज्यादा यार ये बेजाब है भाई, इस पे आप लिख दो अब्दुल एमजे यहाँ पर यार साइड में। जी लिख लोगे आप? जी सर। कौन से कलर में अपने पास चॉकलेट पड़ी है? वाइट हो तो ज्यादा बेहतर होगा यार, वाइट हो, वाइट हो, दुआ करो, दुआ करना वाइट हो, वाइट। जी कलर अवेलेबल है। अच्छा यार फिर तो इस पे नजर ही नहीं आएगा, पर्पल से कर लो कोशिश, सही से आ जाएगा। हाँ चलो इसको कर लो। मम्मी तुम्हें कौन सा केक पसंद आ रहा है? मेरे का ये वाला। हमारा केक पे प्लेन बनवाने का एक स्माइली फेस है और साथ में अब्दुल एमजे का नाम, और वो भाई पूरा कोशिश करके बनाने की कोशिश करे। भाई कोशिश करना केक ना खराब हो जाए यार। भाई तुम नजर कम लगाओ, इतनी ज्यादा नजर लगाओगे। अरे मेरे बाबू ये केक बिक चुका है, नहीं तो मैं तुम्हें दिला देता, अब कैसे दिलाओ यार। अबे नहीं दे रहे वो भाई, बोले पहले ही बिक चुका है यार। यार इस बच्चे की खातिर दे दो ये वाला केक यार, केक सेल हो गया है। अरे सेल हो गया यार, पम्पी बना तुम्हें दे देते। तो भाई भाई ने एमजे और स्माइल वाला फेस बना दिया है, कोशिश भाई ने अच्छी की है, लेकिन ये ता लग रहा है, वो अलिफ बा ता उर्दू का नहीं होता। जिसे सही कर देते हैं इसको आप ना, कैसे सही करोगे? अरे यार चलो सही है, बस सही है, बस दुआ करना मेरा भाई नाराज ना हो जाए। उसकी 5 दफा में बर्थडे कर चुका हूँ, लेकिन वो बोल रहा है नहीं ये मजा नहीं आया ना। आप एक काम करो, एक स्नो स्प्रे, एक केक दे दो, और क्या होता है अपने पास, पार्टी होता है ना, पार्टी पॉप, पता नहीं पार्टी पॉप। हाँ जी जी जी, वो वाला कैसे धमाका कर दे सर, ऐसे टाइमिंग से घुमाने पड़ते हैं। बस यार भाई तो बहुत प्यारे है, लेकिन भाई हमारी विश ही नहीं पूरी कर रहे। हमें इस टाइप का केक चाहिए था, लेकिन भाई बोल रहे ये ऑलरेडी बिक चुका है। यार भाई यार ये गलत है यार, ये नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, आपने थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए था। क्या हाल है अब इसका? सर इसका यही हाल है कि आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो ये केक आप हम आपको। अब तो हो चुका है ना, अब क्या हाल है यार। एक काम करें, नेक्स्ट वीक आऊं मैं सर दोबारा ट्राई। अच्छा जी सर, इससे अच्छा वाला कार्टून मिल जाएगा फिर? जी सर डोरीमोन में बना। अरे डोरीमोन मिलेगा? हाँ चलो ये खुश हो गया ना, बस सही है। आप सामान ले आए सारे? बस डन कर दें, आप इधर रख दें, फिर मुझे बिल बता दें आप। ये वाले केक की मैं बात कर रहा था यार, हमारे पास है ही नहीं है, बिक चुका है पहले। यार सामान सारा ले लिया है, अब बस जस्ट बारी है केक को कट करने की और अब्दुल एमजे को खुश करने की। अगर अब भी इसने कहा ना मैं खुश नहीं हूँ आपसे, इसको खींच के थप्पड़ मारूंगा। यार गाइस मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे जल्दी से होटल में पहुंचना होगा, नहीं तो अब्दुल एमजे छोड़ के भाग जाएगा सब चीजों को। यार उसने मुझे पहले ही धमकी दी हुई है, अब मैं और लेट नहीं हो सकता, जल्दी से भागना होगा। बस दुआ कर रहा हूँ अल्लाह प्लीज इसको पसंद आ जाए यार। चलो 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 चलो। अरे यार अब्दुल एमजे भाई रोना बंद करो, देखो केक आ चुका है यार, इसको ओपन तो करो। हाँ वो देखो यार ये टोपी भी पहन चुका है, जबकि भाई तुम्हें टोपी नहीं पहननी, अब्दुल एमजे को पहननी, उसको पहनाओ यार, वो बर्थडे बादशाह है। एक तो पम्पी को कौन समझाया अब यार, बर्थडे बॉय की टोपी खुद पहन के बैठा हुआ है और बोल रहा है मैं केक कट करूंगा। पम्पी भाई उसकी बर्थडे भाई, उसको पिना यार। गाइस पम्पी और अब्दुल एमजे का जो लड़ाई है उसको मैं सामने से देखता हूँ और केक आपको खोल के दिखाता हूँ। यार एमजे हाँ पसंद आया केक? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, केक जल्दी से कट करो। इसको भी पसंद नहीं आ रहा, इतनी मेहनत से तुम्हारे सामने यार लिखवाया, इसको पसंद नहीं आ रही है। गाइस मुझे गुस्सा दिला रहा है सच में। कल्टा भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस केक जल्दी से कट करो फिर मैं आपको घर पे बताता हूँ। यार शुक्र है केक तो कम से कम ये कट करेगा, वरना मुझे लग रहा था केक फेंक देगा। चलो यार अब केक कट करने की तैयारी करते। अब्दुल एमजे रो रहा है, लेकिन मैंने इसको समझाया कि भाई अच्छा केक है खा के देखोगे फिर मजा आएगा। अब जब तक ये रोएगा गाइस तो बर्थडे खराब हो जाएगी ना, तुम्हें पता है बर्थडे में रोना नहीं चाहिए। इस वजह से माचिस नहीं है, माचिस को मंगवाते और पार्टी पॉप पम्पी पकड़ेगा और इसको फाड़ेगा। पम्पी ने इसको पूरा यार सारा खराब कर दिया। टोपी अब्दुल एमजे पहनेगा। अब्दुल एमजे भाई आप बर्थडे बॉय हो, कट क्यों कर दिया? मैंने कट कर दिया। अबे भाई यार यार अब्दुल एमजे का और मूड खराब हो जाएगा। पम्पी खुद कट कर रहा है, स्नो स्प्रे भी चला रहा है। यार पम्पी से लो यार, लो अभी बर्थडे नहीं करनी। अबे भाई बर्थडे अभी नहीं करनी, क्या हो गया तुझे यार? अब्दुल एमजे भाई अब तुम जल्दी करो ड्रामा, रोना धोना कम करो, टोपी पहनो जल्दी से जल्दी, टोपी पहनो। ये लो टोपी पहन लो बस। माचिस के बच्चे, माचिस तुझे कहाँ से दूं मैं? चलो गाइस अब माचिस जला के स्पार्कल कैंडल को जलाते हैं। ये कैंडल यहाँ पर पड़ी है जो उसको, और ये अब्दुल एमजे की बर्थडे, लेकिन खा रहा है ये कट, ये कर रहा है पता नहीं किस बात की खुशी में। स्नो स्प्रे इसने सारा खत्म कर दिया। अब्दुल एमजे मुझे केक खिला दे हाँ, और मैं अब्दुल एमजे को केक खिला दूँ। यार ले लो अब्दुल एमजे भाई केक खा लो, नहीं तो मैं खा लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। ले लो
खा लो सारा, खा लो सारा, खा लो खा लो खा लो, तुम भी खा लो। ये क्या बदतमीजी है, खा लो, गुस्सा वैसे ही आ रहा है। ओ भाई मेरे मुंह पे नहीं लगाना, पहले ही लगा हुआ है यार। तो इसकी बर्थडे हो गई, इसको अच्छा भी लग गया। अब्दुल अमजद भाई तुम खुश हो, ये बताओ खुश नहीं हो? घर पे पता चलेगा क्या हुआ है। ओह हैप्पी बर्थडे अब्दुल अमजद, खुद ही स्प्रे कर रहा है यार। हमारे पास बंदे कम है ना, इस वजह से स्नो स्प्रे भी अब्दुल अमजद ही कर रहा है। नहीं पंपी आंख खराब हो गई, अब क्या होगा? पंपी सॉरी यार, मुझे मारना मत। गुस्सा हो गया, गाइस मामला खराब हो चुका है। पंपी की आंख में स्नो स्प्रे चला गया और पंपी को गुस्सा आ गया। ओ भाई मुझे मत छोड़ो यार, ये मुझे करके खराब कर रहा है यार। यार गाइस इसने कैमरा सारा ब्लर कर दिया यार, इसका चेहरा तो देख लो पूरा। क्या हो गया गंदे, तुमने अपनी नाक नहीं साफ करी? गंदा बच्चा, नाक लगी हुई है गाइस। ओ भाई आराम से आराम से गाइस, इसको पहले ही मैंने गुस्से में कर दिया, अब ऐसी बात करूंगा तो और गुस्सा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ अब्दुल अमजद इतना ज्यादा गुस्से में आ गया है, अभी मेरे को उठाने के लिए कांटे उठा लिए थे यार। मैंने इसको बोला भाई छोड़ दे, माफ कर दे, कैमरा ऑन कर दिया तब जाके चुप हुआ है, नहीं तो ऐसा गुस्सा दिखा रहा था। पंपी है ना, इसका मुंह भी खराब हो गया। ये क्या हुआ इसको यार? भाई इसका तो चेहरा खराब हुआ था, इसका भी हो गया भाई, दोनों के चेहरे खराब हो गए पूरे यार। यार इसने मसला कर दिया यार, मेरा सारा ट्राउजर इसने चॉकलेट से भर दिया यार, अब कैसे साफ होगा, इतना गंदा हो गया। जो मेरा ट्राउजर खराब हुआ है ना, इसको मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि भाई पानी से ही अब मसला हल हो सकता है। पानी आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है ना, इससे मुंह धुलाओ पंपी का भी। ये रहा मुंह धो, शाबाश मुंह धो, शाबाश मुंह धो, शाबाश। मैं अपना ट्राउजर धो, चलो भाई। यार ये लोग भी यार बहुत ज्यादा घनपना करते हैं गाइस, सिंपल सा मुंह पे लगाओ ताकि मुंह बंदा धो भी सके, कपड़ों पे लगाने का क्या मकसद है? बस हो गया मुंह धुल गया नहीं। वो देखो आ गए मैन साहब, इन्हों का तुमने नाक नहीं साफ की, गंदा गाइस इसके नाक पे नाक लगी हुई है। जब आपकी बर्थडे आएगी ना, फिर मैं भी आपके मुंह पे पूरा नाक पे नाक लगी हुई है, नाक साफ करो। मुझे नाक पे केक मारा, लेकिन मैं आपके पूरे मुंह पे केक मारूंगा, जो पूरे इधर मारूंगा। नाक पे नाक लगी, नाक साफ करो पहले, जल्दी से दिखाओ पब्लिक को। पब्लिक को नहीं दिखा रहा, तुम्हारी नाक पे नाक लगी हुई है वो दिखाना है बस मुझे, नाक पे नाक। ये कर लो, आपकी भी बात आएगी। चलो गाइस अब गाड़ी में बैठते फिर इससे पूछते। यार एक अल्टा भाई, ना ही आपने खाना खिलाया, ना ही कोई छोड़ पर से इतना छोटा सा केक, और फिर फायदा क्या हुआ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट, ऊपर से नाक मेरी काली करवा दी सब। यार एक तो अब्दुल अमजद भाई तुम रोते बहुत हो, देखो मैंने तुम्हारी बर्थडे के मेरा गला नहीं पकड़, ओए दोनों माल के मार रहे गाइस पूरे। अच्छा रुको मेरे पास कुछ है तुम लोगों के लिए, मेरे पास है, तुम्हें खाना खाना था ना, देखो मेरे पास आइसक्रीम है तुम्हारे लिए, वैसे भी बहुत आइसक्रीम। गाइस शुक्र यार ये लो ठंडे हो चुके, तुम लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। इसकी बर्थडे का जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है ना अब्दुल अमजद भाई? नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अबे भाई बस कर दे, सातवीं दफा बर्थडे करेगा ये भाई, इसको समझाओ कमेंट में। तो अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट व्लॉग में मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ, उसकी छोटी सी। मैं आपको झूला नहीं दिलाऊंगा भाई, मैं जा रहा हूँ।